धार जिले में नालछा क्षेत्र के कागदीपुरा गांव में प्रतिवर्ष अनुसार भादवी बीज और बाबा रामदेव जी रामपीर का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और बाबा का जुलूस पूरे कागदीपुरा गांव में निकाला जाता है। मगर देश में चल रही कोरोना वायरस की महामारी की वजह और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन नियमानुसार ही किया जाएगा, जुलूस और भंडारे कार्य निरस्त करना पड़ेगा। मंदिर के पुजारी गुलाब पटेल ने बताया कि भादवा बीज बाबा की सबसे बड़ी बीज होती है। इस दिन बाबा रामापीर रामदेव जी का जन्म होता है। उन्होंने बताया कि भादवी बीज के दिन आसपास के क्षेत्र में कई गांवों में भजन गाने वाली मंडली और ग्रुप द्वारा पूरी रात भजनों की प्रस्तुति होती है। इन्हीं भजनों की प्रस्तुति को देखने के लिए यहां पर हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। इस दिन यहां पर बाबा का विशाल भंडारा किया जाता है। धर्मपुरी से कैलाश मावी की रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से भीड़ नहीं रही और कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी वजह से हमारे पास चार मान हमने कैंसिल करी और कोरोना वायरस की वजह से हमने भीड़ नहीं करी और भादवा की बीज हमने आराम से और हमारे इस हिसाब से हमने पूजन पाठ कर लिया है। अच्छा, ग्रामीण वालों का कहना है कि यहाँ तो मतलब 20-25 मंडली आती है, मतलब भजन मतलब प्रति बीज पे, तो इस बार क्या रहा है, उनका कैसा क्या रहेगा? सभी को कैंसिल कर दिया हमने। करीबन 2500 से 3000 पब्लिक हमारे पास में, हम भंडारा करते हैं पैदल यात्रियों का भी। अच्छा। पूरे ग्राम के भी और आसपास के सभी लोगों को, भक्तों को बुलाते हैं और भोजन प्रसादी करवाते हैं। तो इस बार भंडारे का कर रखा है कि नहीं रखा? इस साल भंडारे का नहीं रखा कोरोना वायरस की वजह से। अच्छा। परमिशन मांगी थी पर परमिशन हमको मिली नहीं। अच्छा। तो उसके बाद में हमने कैंसिल कर दिया उसको और घर घर के सबने मिलकर हमने पूजन हमने ही आपस में कर लिया। आपका नाम? गुलाब पटेल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।